हमदर्दी होती है उसके मरने पर अफसोस का इजहार किया जाता है, लेकिन इतना बेगुनाह बच्चों और आजादारों के शहादत पर अफसोस नहीं जाहिर किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के मुफ्ती आजम साहब से, इसका बैनर ठीक कर देना, मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहा है, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती तकलीफ वाले साहब से सवाल करना चाहता हूं, महफूज नहीं है ये सरकार जब हुकूमत में आई थी इसने पूरी दुनिया को झांसा दिया कि मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूं। इमरान खान साहब ये आपकी रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना है, खुदा ने रियासत मदीना कहकर रसूल खुदा की तौहीन करना बंद करो, इसको रियासत मदीना कहते हैं। रियासत मदीना का एक फार्मूला जो पैगंबर ने फरमाया कि कोई भी उम्मत, कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क तब तक पाकीजा और बेहतरीन उम्मत कहलाने का हकदार नहीं है जब तक वहां की माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सेफ ना हो। माइनॉरिटीज की हिफाजत, माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की सरबुलंदी और खासकर इस्लामी ममालिक की कामयाबी की जामिन है। लेकिन आज उसी मुल्क में न हिंदू महफूज है, न ईसाई महफूज है, न शिया महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है, और फिर भी उसका नाम दिया जा रहा है रियासत मदीना। ये वो रियासत मदीना नहीं है जो रसूल अल्लाह की थी, लेकिन सामने आकर बैठकर बात करने की जरूरत नहीं रखते, ये छुप छुप कर हमले करना बता रहा है कि तुम हार चुके हो। याद रखना न तुम कल करबला में कामयाब हुए थे न आज कामयाब होगे। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरे साथ आप सब मिलकर जवाब देंगे, सब मिलकर बाजुओं को बुलंद करके इस तरह से जवाब दे कि पेशावर के शहदा तक ये आवाज जानी चाहिए, और इस तरह से जवाब दे कि इन तकफीरी दहशत गर्दों का कलेजा कांप जाए। जोर से मिलकर बाबा के बुलंद माए बहने जहां जाते डाला जाए, सब मिलकर कहेंगे हमारी तरसिका चलेगी। पाकिस्तान हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इमरान हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आईएस आईएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। नारे करूंगा। देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर सिया मुस्लिमों का धरना विशाल रूप में चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार खबरें आ रही हैं कि इनके ऊपर, इनके परिवार वालों के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, आइए जानते हैं प्रमुख मांगे ये भारत सरकार से क्या कर रहे हैं, इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं सरकार से। पहले तो हम इनका नाम जानना चाहेंगे, फिर इनकी डिमांड्स जानेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स भी जानेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रौनक अली है, मैं यहीं दिल्ली में ही हूँ, सर्विस करता हूँ। मेरा वतन मऊ है, मऊ जनपद का मैं रहने वाला हूँ, और हम यहाँ इसलिए इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं जंतर मंतर पे कि पाकिस्तान में हम शिया कम्युनिटी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है,
आज से नहीं 1400 सालों से ये जो सुन्नी वहाबीज़म जो तकफीरी आले सऊद की नस्लें हैं, माविया की नस्लें हैं, यजीद मलून जो इमाम हुसैन सलाम के दौर में था, तो उसकी नस्लें हैं जो ये अपने को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये बताइए सानहा पेशावर हुआ अभी गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले, मस्जिद में ये मस्जिदों में मस्जिद में बम विस्फोट कर दिए, दहशतगर्दी कर दिया, वहाँ पे विस्फोट कर दिया, वहाँ पे 70 लोगों को, 70 लोग लगभग 70 लोग शहीद हो गए और 100 से ऊपर ज़ख्मी हो गए। छोटा बच्चा आया अभी स्कूल से आया, वो देख रहे हैं वो छोटा बच्चा है, वो स्कूल से आया, उसकी मदर ने उसको तैयार किया, मस्जिद में गया, उड़ा दिया गया, वहाँ कुरान जल गया, कुरान जल गया, पूरी मस्जिदें उड़ गईं, ये मुसलमान क्या जवाब देंगे? ये क्या लग रहा है, ये धर्म द्वेष है या जाति द्वेष है, क्या है ये? इनका बुग्ज ये है कि हम मानवता और इंसान जो मानवता के प्रतीक हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, हम उनको बहुत लाइक करते हैं, और जो फिदक के लुटेरे हैं, जो फिदक के गासिब हैं, उनसे हम नफरत करते हैं, यही वजह है। हम मज़लूम की हिमायत करते हैं, जो मज़लूम है, जो शांति प्रिय है, उसको हम अपना आइडियल मानते हैं, और जालिम की हम कंडम करते हैं, इसीलिए तो ऐसा आप एक माइनॉरिटी के हैं, एक ही हैं, एक ही मुस्लिम जिसे कहेंगे ना, एक ही समुदाय के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, आप ही लोगों के ऊपर ही अपने ही धर्म के लोग जो हैं अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे धर्म के नहीं हैं ऐसा, ये इस्लाम थोड़ी कह रहा है। इस्लाम देखिए कुरान में अल्लाह साफ साफ ये बात कह रहा है कि ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता कि आप अल्लाह अकबर कहो, क्यों कहो भाई, आप आपकी आस्था हनुमान चालीसा में है, महामृत्युंजय में है, श्री राम जी से है, तो आप क्यों कहोगे बताओ? यानी आप लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया, आप मातम न करो, आप आज़ादारी न करो, आप मजलूम के हक में आवाज़ न बुलंद करो, हमारी कत्ल गारत पे तो पूरी दुनिया खामोश है। तो पाकिस्तान में अभी क्या हुआ है जो आप नई दिल्ली के जंतर बंतर कहीं ना कहीं उसी के खिलाफ बैठे हैं? पाकिस्तान में हमारे 70 लोगों को मस्जिद में शहीद कर दिया गया विस्फोट करके, बम ब्लास्ट करके, और वहाँ पे ये बताइए कि कुरान की प्रतियां को बिखेर दिया गया, 50 कुरान थे वहाँ पे, मस्जिदें बिल्कुल उड़ा दी गई, ये क्या महशर में जवाब देंगे? ये कयामत की बात करते हैं, महशर में ये जवाब क्या देंगे ये लोग? तो आपको लग रहा है जो भगवाधारी हैं भारत में बैठे, वो आप लोगों का साथ देंगे? मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवाधारी हमारा साथ दें, ना भगवा जो इंसानियत के है वो हमारे साथ, सब लोग आ जाएं, हिंदू आ जाएं, सिख ही जाएं, ईसाई आ जाएं, मानवता के प्रतीक है। हम देखिए 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, और उससे पहले की भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मुगल शासन से लेके आज तक, यहाँ औरंगज़ेब था, शियाओं का कत्लेआम किया, हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा, और हम कितने यहाँ शांति हैं, आप किसी भी एक हिंदू से उठा के पूछ लीजिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसे हिस्ट्री की नॉलेज है। और अभी भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेट्स में, तो सबसे ज़्यादा शिया कम्युनिटी का योगदान है मुसलमानों में। हम यहाँ पे माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी में हैं। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ हिंदुस्तान में भी। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ अत्याचार, यही जुल्म है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप लोग कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं भारत के, तो लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर सुनवाई करेंगे, आपकी डिमांड्सों को पूरा करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से, मेरी पूरी उम्मीद है, वो आस्था, इसलिए कि वो शिया कम्युनिटी को जानते हैं कि कितने शांति प्रिय हैं। तो आपके धर्म गुरु जो हैं वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं? हमारे हैं कल्बे जवाद साहब हैं और दीगर हैं, सब लोगों ने आवाज़ कंडम किया है, इसका मेमोरेंडम भी दिया है अपना गृह मंत्रालय में और पीएमओ में, आवाज़ बराबर उठाते हैं। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, मस्जिदें कुरान की प्रतियां जलाई गई, ये बताइए नदवा कहाँ है? ये सुन्नीविज़्म जो जो तकफीरियत को फॉलो कर रहे हैं, नदवा कहाँ है? देवबंद कहाँ है? मुस्लिम जमात कहाँ है? आपके तो बहुत सारे संगठन हैं, वो लोग आप लोगों का साथ कितना दे रहे हैं? बहुत से संगठन हैं ना, मुस्लिम संगठन, जो मानवता इंसानियत का जो सबके इंसानियत जानता होगा, जो इंसानियत की क्लास को जानता होगा, जो मानवता का प्रेमी होगा, वो आएगा हमारे पास। अभी तक कितने लोगों का संगठनों का आपका समर्थन दे रहे हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उन पर जो है साथ मिल करके लड़ना चाह रहे हैं, कितने संगठन आए हैं? देखिए ये तो मैं देख रहा हूँ कि दोहरी पॉलिसी है, पूरे वर्ल्ड लेवल से दोहरी पॉलिसी है। शिया का खून बह रहा है लबनान में, दुनिया खामोश है। यमन में बह रहा है,
पूरी दुनिया खामोश है। रोज़ आले सऊद वाले, सऊदी अरब जो है रोज़ वहाँ पे बम मार रहा है, यमन में, बहरीन में शियाओं का कत्लेआम हो रहा है। स्पाइनर से 2000 लोगों को, शियाओं को, ये अबू बकर अल बगदादी और एक हक्कानी ग्रुप ने यहाँ पे शियाओं का कत्लेआम, 2000 को स्पाइनर से काट दिया गया इराक में। पूरी दुनिया खामोश है। आपको लग रहा है ये मानवता जो है शर्मसार हो रही है, मानवता खत्म हो चुकी है? मानवता बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ये तकफीरी, ये आले सऊद की नस्लें, ये माविया की नस्लें, ये यजीद की नस्लें, ये फिदक के गासिब लुटेरों की नस्लें, ये बर्बाद कर रही हैं बिल्कुल। तो वहाँ पर आपकी कई बहन बेटियाँ होंगी, क्या उन क्या लगता है वो असुरक्षित अब बहुत ज़्यादा महसूस कर? सब असुरक्षित हैं। हम लोग, इंडिया ये ऐसी कंट्री है, हम धन्यवाद देते हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि 1947 में हम गए नहीं, हम यहीं रह गए, हमारे आबा अजदाद ने हिंदुस्तान को चुना, हम बहुत सुकून से, आई लव माई इंडिया। हम अपने मोदी जी से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस बात को, ये जंतर मंतर से जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसको यूएनओ तक उठाएं और पाकिस्तान गवर्नमेंट पे इसकी लगाम लगाएं कि वो तकफीरियों के ऊपर कार्रवाई करें। तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत इशार से हम लोग रहें यहाँ पर हिंदुस्तान में। अभी देखिए मुसलमानों के ऊपर ये तकफीरी, ये अहले सुन्नी में जो वहाबी ग्रुप है, वहाबीज़म जो तबलीगी जमाती जो फॉलोअर बने हैं, ये बताइए कहाँ बैठे हुए हैं? भगवा ब्रिगेड थोड़ा सा, अगर बीजेपी आरएसएस के लोग थोड़ा सा अगर कोई बात हो जाती है आपसे तो टोटल मीडिया उठा देती है, मुसलमान रोड पर आ जाते हैं। आज कहाँ है बताइए? कुरान की प्रतियों को जला दी गई। छोड़िए हमारे कत्ल गारत पर खुशियाँ मनाइए, हमारे शियाओं पर हम मारे गए, लेकिन ये बताइए कि कुरान की प्रतियाँ कहाँ गई? कुरान की प्रतियों को आपने जला दिया, अल्लाह के कलाम को उड़ा दिया, बताइए कहाँ गए आप लोग? मस्जिदों को उड़ा दिया, आप क्यों नहीं अब रोड पे आ रहे हो? कहाँ गया आपका इस्लाम? ये इस्लाम थोड़ी है, इस्लाम ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरी नहीं है, मानवता है। हाँ, दीन में हम जबरदस्ती कर ही नहीं सकते आपसे कि आप अल्लाह अकबर कहो, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम तो बड़ी खूबसूरती प्यार का नाम है। तो लास्ट में प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे, हम यही उनसे विनती करेंगे कि हमारी आवाज़ को यूएनओ में और पाकिस्तान गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ को यहाँ से पहुँचाएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।